अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। हैदराबाद के इलाके फसलानसर रिलीफ हॉस्पिटल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे आपका भी दिल दहल जाएगा। एक 9 माह की खातून के पेट में ही बच्चे के कत्ल कर देने का इल्ज़ाम डॉक्टरों को और वहाँ के इंतज़ामिया पे लगाया गया। इसकी वजह यह है कि डॉक्टरों की जानिब से 9 माह की हामिला खातून के साथ लापरवाही से पेश आने पर इस बच्चे की जान जाने का इल्ज़ाम घर वालों की जानिब से लगाया जा रहा है। नाज़रीन, वाज़ह रहे कि लगातार ऐसे हॉस्पिटल माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, मगर जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया इसे दबाने की मुमकिन कोशिश करते हैं और दबा भी देते हैं। अब देखना यह है कि इस केस में किस तरीके का रद्दोमल सामने आता है। नाज़रीन, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यही रिलीफ हॉस्पिटल में इलाज शुरू से यहीं छोड़ा उनका, फर्स्ट बच्चा भी यहीं छुआ था उनका, तो लेके आए दर्दा फुल हो रहे थे, तो मैडम नहीं है बल्कि इतवार है नहीं आते बोल दिया पहले, तो फिर मैं आके बोली यहीं इलाज हो रहा ना, नहीं कहाँ लेके जाना बोल, तो बुलाओ सिस्टर से पूछ के इलाज कराते, बोले सिस्टर क्या करे इंजेक्शन दे के दर्दा कम कर दिए। फिर सुबह 5 बजे दर्द हुआ बच्ची को, तो स्कैनिंग निकालो बोले, स्कैनिंग निकाल के लेके आए, स्कैनिंग वाले खुद बोल दिया कि तुम लगा जल्दी नहीं करे क्या, बच्चा पानी पी लिया बोल के। फिर हम 10 बजे आके बोले बच्चा पानी पी लिया, कहते इमरजेंसी ऑपरेशन कर दो बोल रहे, बोल तो हाँ करते बोल रहे, मगर ऑपरेशन को कोई नहीं करे। 4 बजे ही मैडम वो आ रहे बोल रहे, 10 बजे से 4 बजे मैडम है, 4 बजे तक बच्चे का इंतकाल हो गया था अंदर ही। फातिमा मैडम है, मोहम्मद फेरोज खान है मेरे भाई का, बच्चे का यहाँ पे इंतकाल हो गया लापरवाही की वजह से, और बहुत कैसा हुआ यहाँ पे एक बोल के नहीं दुनिया के बच्चों में कैसा हुए आप छानबीन करके फतलानसर में आके मालूम कर ले सकते। कई बार हुआ है दवाखाने में कई बच्चों के जाना ले लिए लोग, कितने की बच्चों के, इसमें हमारा बच्चा भी है, दुनिया के जो है तो लापरवाही है, मैडम टाइम पे नहीं है, शुरू से ट्रीटमेंट यहीं चल रहा, सुबह 11:30 बजे दवाखाने को लेके आए, 4 बजे तक दवाखाने में कोई भी अवेलेबल नहीं है, अब थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले ऑपरेशन करके बोल रहे बच्चा पानी पी लिया, बच्चे का इंतकाल हो गया बोल। कई जने के बच्चों के संगत हुआ सो यहाँ पे हमारे 11 बजे ये रिलीफ हॉस्पिटल है, हम पुलिस केस करे हम लोग, हमारे को या बच्चा होना या बच्चा होना जिंदा, हमारे को ऑपरेशन की हॉस्पिटल चीज होना है, वजह से पहले हम यहाँ मौजूद है फतलानसर रिलीफ हॉस्पिटल में, हमारा मिलने का मालूम कर ले सकते हैं दवाखाना कैसा है। तो डॉक्टर साहब आ रहे बोले कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, खाली आ रहे ऑन द वे, 24 घंटे सर्विस है, ऊपर ले कैमरा 24 घंटे हमारे बोले मीडिया के जरिए इंसाफ होना, ने तो हम जो कुछ भी कर लेके हमला भी यहाँ मर जाते, हमारे को हमारा बच्चा होना, खाली डॉक्टर आ रहा बोल रहे, फतलानसर रिलीफ हॉस्पिटल है ये, 11 बजे और ऑपरेशन की टाइमिंग दी है 11 बजे से दे, तो खाली डॉक्टर साहब आ रहे मीडिया के सामने, कोई डॉक्टर कोई नर्स और यहाँ के 5:30 हो रहे हैं, अभी तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बच्चे का इंतकाल हो चुका है, हमारा कोई इंसाफ होना साहब, नहीं तो हम कुछ भी है, मैडम है, डॉक्टर इनूस है और सोहेल है, बैठते हैं कंप्यूटर सोहेल है, ये चारों जने यहाँ मौजूद है, खाली लोग डॉक्टर साहब आ रहे ऑपरेशन करना है बोले, खाली बातें बना रहे ना, कोई यहाँ रिस्पॉन्स नहीं है हमारे को, इससे 3-4 बार हो चुका है, हमारे को इंसाफ होना मीडिया के जरिए, हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में हमने ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं, अब जो भी हुआ हमारा आगे का आप लोग देखना। और भाई यहाँ के नर्स जो भी है ना, यहाँ पे जितने भी है ना, पूरे आशिकी का अड्डा बना लिए दवाखाने को, ये आने जाने वालों को देख के हंसना करना ठीठी ठाते जितने भी हो गए ना यहाँ पे ऐसे छो गया ये। मैं बच्चे का बाप, स्कैनिंग रिपोर्ट पे आप टाइम देख सकते हैं, 11:30 को स्कैनिंग रिपोर्ट आई, 11:30 को मैं हॉस्पिटल को लेकर आया, इमरजेंसी ऑपरेशन करते बोले, 11 बजे से 5:30 कर दिए, अब ऑपरेशन करे बच्चे को मार दिए मेरे, ये फतलानसर रिलीफ हॉस्पिटल है, सख्त से सख्त इन लोगों के ऊपर एक्शन लिए, ये पहला केस नहीं है, इससे पहले 3-4 केस भी हो गए यहाँ पे, समझे ना, अब अगर हम कुछ अब हम एक्शन लेने वाले हैं, उसके बाद पुलिस केस हो लो या कुछ हो लो उसके बाद हम लोग देख लेंगे जो भी है, मगर अब तो एक्शन लेने वाले हैं, दवाखाना तो तहस नहस करने वाले हैं पूरा, डॉक्टर अभी भी अवेलेबल नहीं है, सुने ना, डॉक्टर का नाम मर्द आदमी का नाम इनूज है, शोएब है, और लाइफ टेक्नीशियन वाले का नाम क्या है जी, वो नासिर है, लाइफ टेक्निकल वाला, और फातिमा मैडम है, और एक जो सो
वो उसका नाम क्या था सुबह में? वो तो बोली बिचारी तेज बोली, जल्द से बोली। करने वालों को करने में दे दिए और लाइट के फोन पे मशवरे दे रही, नर्सों को इंजेक्शन दे दो, ग्लूकोज चढ़ा लो बोल के, और सख्त से एक्शन लो लोगों के ऊपर। अब फिलहाल तो हम लेने वाले एक्शन लोगों के ऊपर,